बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक वीना फूड एंड ब्लॉग्स। आज मैं बना रही हूँ भिंडी गोश्त, बहुत ही मज़े का बनने वाला है। यहाँ पर गोश्त है 1.5 पाव और इसके साथ हमने लिए हरी मिर्चें, इसे हम फ्राई कर लेंगे। साथ साथ इसी के साथ हम ले रहे हैं यहाँ पर प्याज का पेस्ट, जो कि हमने 4 प्याज लिए दरमियानी साइज़ की, और उसे हमने कच्चा ब्लेंडर कर लिया है। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है 1 खाने का चम्मच, जीरा ऐड करेंगे, इसी के साथ प्याज को ऐड कर देंगे जो हमने यहाँ पर ब्लेंड किए। यहाँ पर टमाटर है 1 पाव और टमाटर ब्लेंडर होंगे, उसके बाद ऐड करेंगे हम प्याज के बाद ज़ीरा ऐड किया है, इसे फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें गोश्त को ऐड करेंगे और फ्राई कर लेंगे अच्छे से, हाई फ्लेम करेंगे। प्याज यहाँ पर पिंक शेड में आ चुकी है तो हम इसमें गोश्त को ऐड कर देंगे। यहाँ पर भिंडी ली है, इसे वॉश करेंगे और इसे हम कटिंग करके इसे फ्राई कर लेंगे गोश्त में ऐड करने से पहले। यहाँ पर मैं प्याज और जीरे के अंदर ऐड कर रही हूँ गोश्त जो हमने लिया है हरी मिर्चों के साथ, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ऐड करेंगे इसके अंदर मसाले, पिसी हुई लाल मिर्ची 1 टेबल स्पून, हल्दी है 1/2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून यहाँ पर है पिसा हुआ धनिया, और यहाँ पर हमने लिया है नमक हल्दी ज़रूरत। गोश्त को यहाँ पर मैं भूनती जा रही हूँ, इसे तकरीबन मैं 15 से 20 मिनट भूनूँगी। साथ साथ इसमें ऐड करूँगी मैं 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं ऐड करूँगी टमाटर का पेस्ट जो हमने बना लिया हुआ है, वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर का पेस्ट, मिक्स करेंगे भून लेंगे। अब यहाँ पर हमें 1/2 ब्लेंडर वाला जग जो है पानी ऐड कर लेना है गोश्त को गलाने के लिए, 1/2 घंटे से 1.25 घंटा चाहिए, तो हम इसे कवर करके रख लेंगे। तो यहाँ पर मैं भिंडी गोश्त के साथ पराठे रेडी करती जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने बनाए हैं लच्छे डबल पराठे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर भिंडी कटिंग कर ली है, इसे हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर अब गोश्त भूनने पर आ गया है, मैं भिंडी फ्राई करके इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ, गोश्त को भून लेते हैं। यहाँ पर भिंडी में मैंने फ्राई करने के लिए ऑयल ज़्यादा ही लिया है, क्योंकि यहाँ पर ऑयल जो है कम रह चुका है गोश्त भुनने के साथ साथ। यहाँ पर मैं ऑयल को गर्म कर रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे भून कर यहीं छोड़ देंगे जब तक हम गोश्त को भून लेते हैं, इसे फ्राई कर लेंगे। भिंडी यहाँ पर फ्राई हो चुकी है, अच्छे से भून ले रही हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, अच्छी सी खुशबू अच्छे से जायके के साथ हम इसे भून लेंगे और मज़े का भिंडी गोश्त यहाँ पर बनाएंगे। पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है और अब मैं इसे भी भून लेती हूँ, तेज़ आंच पे भून रही हूँ, मिनिमम 10 मिनट ये भुनेगा। थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है भून रही हूँ, अब ऑयल जो है वो गोश्त के साथ जो हमने फ्राई किया था वो यहीं पर अब रिलीज होने लगा है थोड़ा थोड़ा सा। जो 10 मिनट हमें यहाँ पर गोश्त को भूनने में लगेंगे उसी के साथ हम यहाँ पर भिंडियाँ भी ऐड कर लेंगे, ताकि भिंडियाँ भी अच्छे से मसाले में गोश्त में ऐड हो जाएं। यहाँ पर मैंने गोश्त में मसाले के साथ भिंडियाँ ऐड कर ली हैं। अगर आप भिंडी गोश्त भुना भुना रखना चाहते हैं तो यहीं पर ही आप जो है इसे भिंडियों को दम लगा सकते हैं और हल्की आँच पर इसे ढक के रख दीजिए, तो ये भुनी भुनी भिंडी गोश्त आपका रेडी हो जाएगा। क्योंकि गोश्त को गला हुआ ये मसाले के साथ साथ जो हमने 1/2 घंटे यहाँ पर गलाया है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी ग्रेवी बढ़ाने के लिए हल्का सा पानी ऐड करूँगी 1/2 ग्लास के अंदर, और उसे 5 मिनट के लिए पकाऊँगी। अब यहाँ पर मैं ऐड करने लगी हूँ पानी, थोड़ा सा पकाऊँगी इसे मिक्स कर। अब मैं यहाँ पर इसे कवर लगा के रख रही हूँ। यहाँ पर तैयार हो चुका है बहुत ही मज़े का टेस्टी खुशबूदार सालन भिंडी गोश्त, यहाँ पर बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पर हम हरा धनिया ऐड करेंगे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, उससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और अच्छी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।